मतलब कश्मीरी पंडित वाज द आइडेंटिटी ऑफ इंडिया इन कश्मीर। ये जो जगदी टाउनशिप बनी ये सबसे बड़ी विडंबना है मैं बोलूंगा जी। जिसकी वजह से कश्मीर बना था वो दर बदर फिर रहे हैं आजकल। क्या कश्मीरी पंडित बसाना इतना टफ हो गया मोदी जी के लिए? नमस्कार, स्वागत है आपका ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के 1-to-1 प्रोग्राम में। विस्थापन का दर्द क्या होता है ये वही समझ सकता है जिसने इसको सहा है, और कश्मीरी पंडित कम्युनिटी जिसने सबसे ज़्यादा 3 दशक तक इसका दर्द सहा है, ये हम समझ सकते हैं कि अपने मातृभूमि से दूर चाहे आपके पास कितने भी जराए हों लेकिन आपको जो वो टीस होती है वो हमेशा से रहती है। इस पर हम आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ संपूर्ण कश्मीर संगठन के जनरल सेक्रेटरी हैं भरत काचू साहब। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका 1-to-1 प्रोग्राम में। नमस्कार भरत जी, ये तो सही है कि आप अपने देश में ही विस्थापित हैं अभी भी 3 दशक के बाद भी, लेकिन आपकी जो ये संस्था है इसको बनाने के पीछे क्या मकसद था और अब तक क्या काम किया है इस संस्था ने ताकि इस बात को इंश्योर किया जा सके कि एक डिग्निफाइड रिटर्न जो है कश्मीर पंडित कम्युनिटी की वापस कश्मीर हो सके? देखिए वेद जी, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के काफ़ी संस्थाएँ हैं और संपूर्ण कश्मीर संगठन का जन्म भी इसलिए हुआ है कि हमारी मूल जो डिमांड्स थी जी वो थी कश्मीरी पंडित रिहैबिलिटेशन और रिटर्न जी। ये पहला हमारा मुद्दा था रिटर्न एंड रिहैबिलिटेशन का। जिस रिहैबिलिटेशन में हमारा लॉस आता है, जैसे कैरियर हुआ, जैसे ट्रेड हुआ, जैसे हमारी प्रॉपर्टी थी वहाँ, उसका लॉस हुआ। दूसरा हमारा मूलभूत था कि कश्मीरी पंडित जब यहाँ आए तो उनका इनकम का सोर्स कुछ नहीं था, तो काफ़ी सारे लोग यहाँ स्नेक बाइट से, सनस्ट्रोक से, या किसी वजह से डायबिटीज से, हाइपरटेंशन से, हार्ट अटैक से मर गए, क्योंकि जो टेम्परेचर वहाँ था, जो क्लाइमेट कश्मीर का था, वो अचानक यहाँ सहन नहीं कर पाए। तो उस कारण काफ़ी सारे कश्मीरी पंडित यहाँ गुजर गए इन वजहों से। तो उसके लिए हमें दूसरा एक मुद्दा था कि हमारे लिए एक मेडिक्लेम, ऐसा मेडिक्लेम पॉलिसी बनाई जाए जिसके तहत कश्मीरी पंडित कम से कम अपना इलाज करवा सके फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यह दूसरा मुद्दा था। तीसरा मुद्दा हमारा था कि जो जब हम वहाँ से पलायन किए, हमारे जो 60-70% पॉपुलेशन थी वो यंग थी, 15-35 ईयर्स की जो पॉपुलेशन थी वो उस समय यहाँ पलायन की। उन्होंने बड़ी मुश्किल से यहाँ एजुकेशन की, 10-2 में एजुकेशन थी, कभी एग्ज़ाम होते थे नहीं होते थे, कभी जेल गए ये गए एजुकेशन के लिए, एग्ज़ाम के लिए। तो वो जो सेक्शन था वो 60-70% का सेक्शन वो धीरे धीरे ओवर एज होते गया। ठीक, वो पूरे हिंदुस्तान में घूमते रहे, ना उनको कोई जॉब मिला ना कुछ मिला, वो आज की डेट में ओवर एज है। उनकी मैरिजेस लेट हो गए, उनके बच्चे लेट हो गए, अब उनका स्थिति ये है कि वो सभी 50-60 साल के बीच में हैं और उनके बच्चे छोटे छोटे हैं, उनका अभी ऐसा कोई इनकम का सोर्स ऐसा नहीं है कि जिससे वो गुजारा करें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने ही नेशनल लिस्ट को, जो नेशनल लिस्ट कश्मीर में थे कश्मीरी पंडित, जिनकी वजह से हिंदुस्तान का झंडा वहां 1947 से 90 तक जिंदा था, मतलब कश्मीरी पंडित वाज द आइडेंटिटी ऑफ इंडिया इन कश्मीर जी, तो उसकी वजह से वो हिंदुस्तान जिंदा था। जब कश्मीरी पंडित यहाँ आ गए हमें पता था कि यहाँ हमें हिंदुस्तान या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गले लगाएगी, इज्जत करेगी, लेकिन हमें ऐसा व्यवहार किया गया कि कश्मीरी पंडित को 500 रुपए से इमदाद शुरू किया, जो कि आज 108 रुपए पर पर्सन पर डे है। 108 रुपए में आप मुझे बताइए, आप एक टाइम की आप खाना खा सकते हो? आज अगर मार्केट में जाएंगे एक थाली 300 रुपए से कम नहीं मिलती है। तो एक फैमिली जिसके 4 मेंबर हैं या 2 मेंबर हैं वो कैसे गुजारा करेंगे? जैसे 13,000 रुपए में एक फैमिली कैसे गुजारा कर? तो तीसरी डिमांड थी कि ओवर एजेस का इनके जो
एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से ये 30 साल का उनको फोर्थ क्लास का दे दो आप, उसका एक कंपनसेशन दे दो जिनकी वो उनका कैरियर लॉस हो गया, बहुत बड़ा सेक्शन है वो, या उनको कोई सॉफ्ट लोन दे दो ताकि वो अपना एम्प्लॉयमेंट शुरू करें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब वो शुरू किया प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, लेकिन वो सिर्फ किताबों में और टीवी डिबेट्स में होता है, जब ऑन ग्राउंड जाए तो कोई बैंक वो अनगारंटीड लोन देने के लिए तैयार भी नहीं है। ठीक है कचोर साहब, शुरुआत आपने की कि पलायन हुआ, उसके बाद कई मुश्किलें भी सामने आई, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे कदम भी उठाए गए ताकि जो जख्म है उस पर मरहम लगाने की कोशिश की गई, चाहे वो जगती टाउनशिप की मिसाल है, चाहे वो राशन दे के है, जिस तरह से आपने कायमदाद दे के है, लेकिन वो नाकाफ़ी आपके मुताबिक है। लेकिन आपको लगता है कि जो एक तरह से ये मरहम लगाई गई थी वो उससे कुछ जख्म भरे क्या? नहीं, सबसे बड़ी बात ये जो जगदी टाउनशिप बनी ये सबसे बड़ी विडंबना है, मैं बोलूँगा जी, ये मरहम नहीं लगाया जाए। जगदी टाउनशिप कहाँ पे बनी ये आप देख लीजिए, वो एक नाला था, पत्थरों का नाला, जम्मू से दूर हटके उनको एक नाले में ठोक दिया और वो टाउनशिप जो बनी है उसका आप कंस्ट्रक्शन देख लीजिए, ना रूम है लाकेकार, एक बेडरूम का दिया और उनको इतनी सख्ती आ गई वहाँ, ना हॉस्पिटल है ना पहले बिजली है, जगदी वाले हैं पिछले 65 दिन से वो हड़ताल पे बैठे हैं, कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी उनकी सुनती नहीं है, चाहे वो जगदी वाले कांग्रेस से है या बीजेपी से, लेकिन वो मेरे कश्मीरी भाई हैं जी। आज 65 दिन से वो हड़ताल पे बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं कि भाई हमारे को नौकरी दे दो, रोजगार दे दो, या हमारा जो रिलीफ है इसको थोड़ा बढ़ा ताकि हम जिंदा रह सकें जी। अब कोई इंसान, कोई नेशनलिस्ट एक पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहा पिछले 65 दिन से, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सुनी नहीं रही है। हमें इस गवर्नमेंट से जो 2014 में आई इससे बहुत उम्मीदें थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो मोदी जी के कायदत में आई, इन्होंने बहुत अच्छे काम किए, जैसे राम मंदिर बना, 370 हटा, 35A हटा, मुस्लिमों को 3 तलाक का रिलीफ मिला, सरदारों के लिए कॉरिडोर खुला, लेकिन कश्मीरी पंडितों के लिए क्या बना? कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ नहीं बना। 1947 से 90 तक मेजरली कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, तो हमारी 1947 से जो पॉपुलेशन का एवरेज था वो 16% था, जब हम निकले 90 में तो 2% था, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है? हम ये नहीं बोल रहे हैं किसी पार्टी के बारे में, हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो पूरा डिस्ट्रक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टेक केयर नहीं किया कि इनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे कश्मीर में कम क्यों हो रही है। एक जो कम्युनिटी जिसका इतिहास 10,000 साल पहले था, वहां इन्वेडर जो आया था, मुस्लिम इन्वेडर पहला बुलबुल शाह, वो आया था 1339 में, तो टोटल हिस्ट्री कश्मीरी मुस्लिम भाइयों की है जो 680 साल की है कश्मीर में। इन हमारे पूर्वज एक ही हैं, बुलबुल शाह ने पहले 10,000 कश्मीरी पंडितों को कन्वर्ट किया था, वो पहला एपिसोड था। तो जो इनकी हिस्ट्री है वो सिर्फ 680 साल की है, ठीक है, पूर्वज हमारे एक ही है, ये भी कन्वर्शन के ही है, लेकिन जो 10,000 साल पहले की कम्युनिटी है जिसकी वजह से कश्मीर बना था वो दरबदर फिर रहे हैं आजकल। और 90 के बाद में जो दूसरी गवर्नमेंट, दूसरी बीजेपी वाली पार्टी है, उन्होंने हमें एक्सप्लॉइट किया, मतलब उन्होंने मदरलैंड छीना, इन्होंने कपड़े छीने। ठीक है, मेरा सवाल यहाँ से आपके लिए ये है कि बहुत अहम बात आपने कही कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन कहीं ना कहीं 2014 के बाद एक उम्मीद जगी, क्योंकि उस वक्त भी कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के जितने भी लीडर्स हैं उन्होंने चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बताया कि अब उन्हें उम्मीद है कि जिस तरह से क्रश किया गया है मिलिटेंसी को, NIA की कार्रवाई हुई है, तो अब उम्मीद बदी है कि कश्मीर घाटी में ऐसा माहौल बनाया जाएगा कि कश्मीरी पंडित की घर वापसी को मुनासिब बनाया जा सकता है। क्या आज 2020 में वो मुनासिब हो पाया, किस हद तक हो पाया? देखो, जब 2014 में मोदी जी की गवर्नमेंट आई थी तो 24 मार्च 2014 में मोदी जी ने यहाँ जम्मू में ही जो भाषण दिया था वैष्णो देवी माता के दर्शन के बाद, उन्होंने उस भाषण में जरूर कश्मीरी पंडितों का नाम लिया था। उन्होंने ये बोला था कश्मीरी पंडितों को वहां से निकाला गया और मेरी प्रायोरिटी है कि इनको सही सलामत वापस मैं पहुंचा दूंगा। लेकिन विडंबना यह है कि हमारी एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई थी मोदी जी से कि मोदी जी हमारे लिए करेंगे। अभी भी उम्मीद है कि अगर कोई इंसान हमें वापस सही सलामत कश्मीर ले जाएगा
वो मोदी जी ही है, इसके बाद में हमें उम्मीद नहीं है। लेकिन इस उम्मीदों पे पूरा ठंडा पानी गिर गया। 2014 के बाद आज तक मोदी जी ने रेड फोर्ट तक पे 6 भाषण दे दिए, लेकिन उन्होंने दलित, वंचित, शोषित, गरीब, सिख, मुस्लिम, पाकिस्तानी रिफ्यूजी का नाम ले लिया, लेकिन कश्मीरी पंडितों का नाम नहीं ले रहे हैं। तो इसकी वजह से हमें बहुत, हम स्वागत करते हैं, मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, देश के लिए काम किए हैं, जैसे स्ट्राइक किया है पाकिस्तान पे, मतलब मिलिटेंट कैंप्स पे उन्होंने एयर स्ट्राइक किया है, हम स्वागत कर रहे हैं, 370 का स्वागत कर रहे हैं हटाने के लिए, हम राम मंदिर का स्वागत करते हैं, हम कश्मीरी पंडित बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने देश के लिए इतना किया जिसने 70 साल में नहीं हुआ था, मोदी जी ने किया। लेकिन एक छोटा सा काम जो कश्मीरी पंडितों का, 4.5 लाख लोग वापस बसाने का है, मोदी जी आज कश्मीर में इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, बीजेपी कैंडिडेट लड़ रहे हैं, बीजेपी लीडर कश्मीर में घूम रहे हैं, क्या कश्मीरी पंडित बसाना इतना टफ हो गया मोदी जी के लिए कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को नहीं बसाया जाता है? या तो मुझे लग रहा है या तो बीजेपी गवर्नमेंट की या मोदी जी की इच्छा नहीं है कश्मीरी पंडितों को वापस बसाना, या तो कुछ सक्षमता नहीं है। आपने कहा वापस कि उनकी मंशा से आपको लगता है कि ना कहीं शक है उनकी मंशा पे, क्यों ऐसा क्यों लगता है, शक क्यों है? सर, हमें उम्मीद थी कि कश्मीरी पंडित मोदी जी के जबान पे हमेशा रहेगा जब भी ये मुद्दा आता है तो, लेकिन मोदी जी बिल्कुल कश्मीरी पंडितों के लिए बिल्कुल चुप है, वो जबान नहीं खोलते कश्मीरी पंडितों के बारे में। हमें ये अब शक हो रहा है और तसल्ली भी हो रही है कि मोदी जी अगर अपनी जबान जिन्होंने शुरू किया था कश्मीरी पंडितों के बारे में, लेकिन अब उनका नाम ही नहीं ले रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे एक ये भी बताना चाहूँगा, क्योंकि ये आरटीआई में खुलासा हुआ था कि जो ये सैटेलाइट टाउनशिप की बात की गई थी कश्मीरी पंडितों के लिए, ऐसा भी कोई प्रपोजल होम डिपार्टमेंट के पास अभी नहीं है। जब ये बात भी सामने आ गई तो उसके बाद आपको लगता है कि कुछ ठगा सा महसूस होता है? हमें 3-4 बार, एक बार नहीं हुआ, 3-4 बार हमारे साथ हुए। देखो, हम होम मिनिस्ट्री में बहुत बार गए हैं, जब 370 नहीं हटा था तब हमें ये बोला जाता था कि गवर्नमेंट ऑफ कश्मीर जो है जम्मू कश्मीर, वो हमें लैंड प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हम अब लैंड नहीं दे पाएंगे जी। हमको ये भी प्रपोजल दिया गया था, वहाँ स्टेट मिनिस्टर जो होम थे उस समय, तो उन्होंने ये बोला था कि भाई हम एक ये बनाएंगे प्लान कि आप लोग हमें जमीन खरीद के दो ताकि हम टाउनशिप आपके लिए। हाँ, लेकिन अब मुझे बताए, लाखों कनाल जमीन अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है डायरेक्ट। हाँ बिल्कुल, कम्युनिकेशन इंडिया के कंट्रोल में है, सब कुछ इंडिया के कंट्रोल में है, डायरेक्ट यूटी बन गया। अब क्या दिक्कत है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को? वो बनाए 5-6 टाउनशिप, हम वेलकम करते हैं। अब हम आप बनाए 4 डिस्ट्रिक्ट में 4 टाउनशिप कश्मीरी पंडितों के लिए, हम वेलकम करते हैं, लेकिन ऐसा सिर्फ बातें करते हैं लेकिन अमली जामा इसको नहीं पहनाते हैं। काजोल साहब, आपको लगता है यहाँ कहीं ना कहीं अलगाववादी जो नेता है, क्योंकि उन्होंने हमेशा से इस बात को अपोज किया है कि सैटेलाइट टाउनशिप नहीं होनी चाहिए, कहीं ना कहीं जो केंद्र की हुकूमत है वो भी दबाव में है? सर, मैं ये बोलूँगा, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलगाववादियों से डरते हैं, एक साइड में बोल रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम अलगाववादों को कुचल देंगे, मिलिटेंसी को ख़त्म करेंगे, अलगाववाद का अगर ये सुनेंगे हम ये यहाँ नहीं होने देंगे, फिर किस काम की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? इनको अलगाववादों का सुनना चाहिए कि आम कश्मीरी का? आम कश्मीरी मुसलमान चाहता है कश्मीरी पंडित वापस आए, आम कश्मीरी मुसलमान हमारे भाई हैं, वो हमारे शादियों में शरीक होते थे, उन्होंने रोया जब हम निकले थे, लेकिन कुछ तत्व थे वहाँ, खराब तत्व, वो हर किसी जगह होते हैं, हर किसी कम्युनिटी में, जिन्होंने पूरा कश्मीर बर्बाद किया, क्या उन कुछ तत्वों के लिए जो पाकिस्तान पसंद लोग हैं वहाँ, क्या उनकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे प्रेशर पड़ना चाहिए? मेरे हिसाब से अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतनी पावरफुल है तो अलगाववादों की क्यों सुने? वो उसकी देख उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो नेशनलिस्ट है, जो पिछले 30 साल से अपनी ही कंट्री में रिफ्यूजी की जिंदगी गुजार रहे हैं, उनको दर दर की ठोकरें खिला रहे हैं, क्या उनकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं सुनेगी? हम पीसफुल रहे, हम डिसिप्लिन रहे पिछले 30 साल, हमने कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं तोड़ी, हमने कोई बिल्डिंग में आग नहीं लगा दी, क्या ये जरूरी है किसी कम्युनिटी के लिए कि इतना अत्याचार करो फिर वो बिल्डिंग तोड़ें, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी तोड़ें, फिर आप सुन लेंगे? लेकिन काजोल साहब, यहाँ पे एक अहम सवाल ये है कि जब भी ऐसा माहौल
बनने लगता है कश्मीर घाटी में, जब लगता है कि कश्मीरी पंडित की वापसी हो सकती है, तब अजय पंडिता जैसी जो हत्याएं हैं, जो वहां सरपंच थे, वो सामने आ जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे तत्व अभी भी मौजूद हैं जो नहीं चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित वापस आ जाए। अजय पंडिता कश्मीरी पंडित थे, भले ही वो कांग्रेस गवर्नमेंट से, कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते थे, लेकिन वो हमारे भाई थे, कश्मीरी कम्युनिटी के मेंबर थे। हमें बहुत दुख है उनकी शहादत पे, लेकिन उसको पॉलिटिकल फोरा ने, जो पॉलिटिकल फोरा में थे वो, उसकी वजह से उसकी किलिंग्स हो गई है। ये बहुत शर्मनाक बात है, लेकिन अजय पंडिता की किलिंग की वजह से, चाहे उसकी, उसके परिवार को सुन लो, वो बोल रहे हैं हम कश्मीर जाना चाहते हैं। एक अजय पंडिता की किलिंग से कश्मीरी पंडित डिस्करेज नहीं होगा। हमें अपने मातृवतन का हम वेट कर रहे हैं, हमें मदरलैंड का वेट कर रहे हैं। वो कौन सा दिन है जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें बोलेगी कि भाई आपके लिए अरेंजमेंट है, कश्मीरी पंडित किसी चीज़ से नहीं डरती है, सिर्फ कश्मीरी पंडित बहुत डिग्निटी और आनर से अपने मदरलैंड में वापस जाना चाहते हैं। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, किसी पार्टी। राजू साहब, आप इस बात को समझते हैं, मानते हैं कि जितने भी हुकूमतें जम्मू कश्मीर में रही या केंद्र में थी, वोट बैंक का शिकार हुई कश्मीरी पंडित कम्युनिटी, क्योंकि वोट बैंक सब पार्टियों को लगा कि ये हमारा वोट बैंक नहीं है, ये भी एक कारण मानते हैं आप? बिल्कुल सही बात है। जब 90 में हम निकले थे तो कश्मीर के वोटर लिस्ट में 4.5 लाख कश्मीरी पंडितों का नाम दर्ज था। आज की डेट में सिर्फ 96,000 लोग हैं वोटर लिस्ट। मैं कल गया था यहाँ वोट डालने, तो वहां ऐसे भी कश्मीरी पंडित थे जो 70 साल की एज थे, वो वोट डालने आए थे। अब देखो विडंबना क्या है, इलेक्शन हो रहे हैं कश्मीर में, ठीक है, वो DDC कश्मीर में है, कश्मीर में डेवलपमेंट होनी है, कश्मीरी पंडित को आज यूज किया जाता है कि आप वोट डालो। बिल्कुल। और ऑनली बिकॉज ऑफ कश्मीरी पंडित इज ए नेशनलिस्ट एंड बिलीव इन नेशनल स्ट्रीम, कश्मीरी पंडित वोट डालने आए। मैं दिल्ली से वोट डालने आया, वोट डालूंगा मैं ऑनली बिकॉज ऑफ नेशनलिज्म, लेकिन इस इलेक्शन से मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बताएं, मुझे मोदी जी बताएं, कश्मीरी पंडित का क्या लाभ है? कश्मीरी पंडित को पॉलिटिकल एम्पावरमेंट देते ही नहीं है। आप मुझे बताओ कितने कश्मीरी पंडित DDC इलेक्शन में BJP ने खड़ा किए, कश्मीर में कितने कांग्रेस ने खड़े किए हैं, कितने इस गुपकार गैंग ने खड़े किए? इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे ये वजह है कि कश्मीरी पंडित हमेशा इंटेलेक्चुअल ब्रेन रहा कश्मीर में। अगर ये कश्मीरी पंडित को पॉलिटिकल एम्पावरमेंट दे दें, इनको डर लगता है कि कश्मीरी पंडित का जो ब्रेन है ये कल कब्जा करेगा कश्मीर पे, ये पॉलिटिकल एम्पावरमेंट बनेगा। लेकिन ये सब में प्रॉब्लम है, ये सभी पार्टियों में प्रॉब्लम है, तो इसलिए इन्होंने क्रश किया कश्मीरी पंडित का वोट बैंक, क्रश किया, नहीं तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं दे सकते हैं। मैं कल 5 लाख वोट खड़ा करूंगा, दे दें कश्मीरी पंडितों को अलग सीट, दे दें 3 पार्लियामेंट्री सीट, दे दें 6 MLA सीट, दे दें DDC सीट, दे दें अलग, जो कश्मीरी पंडितों का डेवलपमेंट करें। लेकिन काजोल साहब, कहीं ना कहीं इसमें जिम्मेदारी उन कश्मीरी संगठनों की भी है जो एक आवाज़ में नहीं बोल पाती हैं। आप ये बात मानेंगे कि यहाँ पे कई ऐसी संगठन हैं जो अपनी अपनी बीन बजाते हैं और केंद्र सरकार के पास जाते हैं अपना प्रपोजल लेके विदाउट, और ये कहते हैं कि हम उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। सर मैं एक बात बोलूँ आपको, कश्मीर में जब इसी गवर्नमेंट ने इंटरलोकल भेजा था शर्मा जी, जिसके भी डेथ हो गई, उन्होंने 48 संगठन से, कश्मीर के 48 संगठन से मुलाकात की। तब उन्होंने 48 संगठन में कश्मीरी क्यों मुलाकात की? उनको क्यों नहीं पूछा भाई आप एक ही आ जाओ संगठन, एक ही बात करो? जब उनको कश्मीरी पंडितों को मिलने की बारी आई, वो एक संगठन से नहीं मिले। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसी तरह हमें हमेशा बेवकूफ बनाया। जो भी संगठन कश्मीरी पंडित की जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, उनका जो भी मेमोरेंडम है 99.9% मैच हो रहा है, डिमांड सेम है, लेकिन इनकी इच्छा नहीं है। इन्होंने कब सिंक्रोनाइज किया सभी डिमांड्स, वो देख लेते हैं सभी कितने डिमांड्स मैच हो रहे हैं, 90% से अबो डिमांड्स मैच हो रहे हैं। हाँ, कुछ मुद्दों पर डिस्कस जरूर है कि कैसे बसें वहां, एक जगह बसें, दो जगह बसें, तीन जगह, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। वही मेरा कहना था, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोचें हम कैसे बसें।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेस्पॉन्सिबल है हमारी डिस्ट्रक्शन की और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही रेस्पॉन्सिबल है जो हमें वापस लाया। अंत में ये सवाल पूछूंगा, इन ताज़ा हालातों में जो भी आप हालात आपने देखे, DDC के इलेक्शन भी हुए हैं और वहाँ पे मिलिटेंसी को क्रश करने की कोशिश भी है, अब संपूर्ण कश्मीरी संगठन आगे क्या सोचता है, रोड मैप क्या है आपके पास ताकि आप इस बात को सुनिश्चित कर सके कि हमारी रिटर्न। संपूर्ण कश्मीर संगठन की एक डिमांड पूरी हो गई जो आयुष्मान भारत के तहत अभी कश्मीरी पंडितों को चांस दिया गया है, उसमें भी अभी कुछ अड़चने आई है लेकिन अल्टीमेटली एक डिमांड पूरी होगी। हमारी दूसरी डिमांड है, जो मेन डिमांड है, रिटर्न रिहैबिलिटेशन और ओवर एजिस का लॉस, इस पे हम काम कर रहे हैं, लगातार हमारा संघर्ष जारी है और हमें उम्मीद है कि मोदी जी एक ना एक दिन शायद कश्मीरी पंडितों के बारे में विचार करेंगे और हमारा न्याय करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने काफ़ी अहम जानकारी जो है हमारे साथ साझा की। तो आपने जिस तरह से सुना कि कश्मीरी पंडित समाज के जो एक तीस होती है दिल में, वो आज भी है, 3 दशक हो चुके इनको अपनी मातृभूमि को छोड़े हुए, लेकिन आज भी ये समझते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चाहे कोई भी हुकूमत, चाहे केंद्र में थी चाहे जम्मू कश्मीर में थी, उन्होंने कश्मीरी पंडितों के हितों की अनदेखी की है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल 1 to 1।